हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज की वीडियो में अपने उन व्यूवर्स के तमाम सवालों के जवाब जो ये कहते हैं 1 पाउंड का पूरा वेट का केक रेडी नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। तो ये तीनों केक 1-1 पाउंड के केक हैं और आपको बताएंगे आपने कितना केक स्पंज यूज़ करना है, कितना शुगर सिरप, कितनी क्रीम ईच लेयर में लगानी है, क्रम कोट कितनी क्रीम से करना है और फाइनल फ्रॉस्टिंग की कितनी क्रीम से करनी है, केक बोर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4.5 इंच के पैन में हमने 3 केक बेक किए हैं, 1 वनीला और 2 चॉकलेट स्पंज। अब इनको डीमोल्ड करके हम कट करेंगे और फिर आपको वेट दिखाते हैं कि हर एक केक के लिए केक स्पंज का वज़न कितना होना चाहिए। या 6 इंच का केक बोर्ड यूज़ करेंगे, इसका 27 ग्राम वेट आया है, उसको टेयर करके 173 ग्राम हमारे केक स्पंज का वज़न है। 3 लेयर में केक को हमने कट किया है। तीनों केक जो हम रेडी करेंगे 1-1 पाउंड के हैं। 3-3 लेयर में केक को कट किया है और हम 180 ग्राम वेट लेंगे केक स्पंज का। शुगर सिरप लेंगे हम 100 ग्राम। चॉकलेट केक के लिए हम 120 ग्राम शुगर सिरप इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारे पास सॉल्टेड कैरमल 100 ग्राम क्रीम हमने ली है और इसी क्रीम से हम तीनों लेयर के अंदर हम 30-30 ग्राम क्रीम यूज़ करेंगे और बाकी 40 ग्राम हम उससे केक को क्रम कोट कर लिया है। तो अब 70 ग्राम क्रीम हमने लेकर केक की साइड्स पर पाइपिंग बैग में डालकर लगा रहे हैं और इसको नीट करेंगे। आप इसी तरह लिख लीजिएगा कि आपने 1 पाउंड केक के लिए कितना केक स्पंज यूज़ करना है, कितनी लेयर में क्रीम लगानी है और कितनी आपने शुगर सिरप यूज़ करना है, कितनी फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम यूज़ होगी। तो कभी भी आपका केक 1 पाउंड से ज़्यादा वज़न का नहीं बनेगा। अब हम पैलेट नाइफ से केक की साइड पर क्रीम को सेट करेंगे। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ये कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछते हैं कि उनका 1 पाउंड का केक नहीं बनता, हमेशा वेट ज़्यादा हो जाता है। जब आप सारी चीज़ें प्रॉपर वेट करके लेंगे तो कभी भी केक का वेट ज़्यादा नहीं होगा। तो देखें ये कितना अच्छा केक रेडी हो रहा है। अब सॉफ्ट स्क्रैपर से हम केक की साइड्स को नीट करेंगे। यहाँ बहुत सॉफ्ट हैंड से हम क्रीम को नीट कर रहे हैं ताकि जितनी क्रीम हमने लगाई है वो सॉफ्ट स्क्रैपर से रिमूव ना हो जाए। अच्छी तरह सेट करेंगे। अगर आपका केक के ऊपर आपकी डिज़ाइनिंग ज़्यादा है क्रीम के साथ तो फिर आप केक का 20 ग्राम वेट कम कर लीजिएगा। 180 की बजाय आप 160 या 165 ग्राम लीजिएगा केक स्पंज। तो यहाँ देखिए नीट फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। अब हम केक के ऊपर लगाएंगे वर्डिंग, हार्ट लगा रहे हैं मिडल में और एक नाम हम पहले लिखेंगे, एक बाद में लिखेंगे। ये वाला मोल्ड हमने बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाया जिससे हमने ये अल्फ़ाबेट रेडी किए हैं। जब भी आपने केक के ऊपर इस तरह नाम लिखने हैं तो हमेशा कोशिश करें कि जो स्टार्टिंग वाला नाम है उसका एंड वाला अल्फ़ाबेट पहले रखें, फिर उसके बाद के सारे रखें। अब ये टैग हमने ग्लॉसी शीट पे प्रिंट करवा कर कट किया है, ये लगा देंगे और साथ ही 2 हार्ट भी लगा देंगे। तो ये हमारा 1 पाउंड का केक रेडी है। बाकी भी 2 केक इसी वेट से हमने रेडी किए हैं, बस उसमें हमने शुगर सिरप 120 ग्राम यूज़ किया है। ये केक भी हमने इसी वेट से रेडी किया है क्योंकि केक के ऊपर भी डेकोरेशन होती है और हमने क्रीम लगाकर डिज़ाइन रेडी करना होता है।
तो थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हो सकता है। ब्लू क्रीम के तीन तरह के शेड, डार्क, लाइट ब्लू और मीडियम कलर, इनसे हम डिज़ाइन बनाएंगे केक के ऊपर। और इस तरह हम पैलेट नाइफ से बड़ा अच्छा सेट कर लेंगे। आप पाइपिंग बैग में भी क्रीम डालकर ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बट ऐसे पैलेट नाइफ के ऊपर विप क्रीम लेकर आप आसानी के साथ ये डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत नीट दोनों साइड से इस तरह का डिज़ाइन चाहिए था, और एक साइड से क्रीम लगाकर पैलेट नाइफ को घुमा लिया और दूसरी तरफ से भी उसी तरफ को सेट कर दिया। अब विप क्रीम को पाइपिंग बैग में डालकर पतली नोज़ल कट करके हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। अच्छा, राइटिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती केक के ऊपर क्रीम से लिखने की, तो बड़ी टेंशन भी हो जाती है, वर्डिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आती। तो ऐसे छोटे बेंटो केक या 1 पाउंड के केक के ऊपर क्रीम से ही लिखना होता है, वरना ज़्यादातर फाउंडन मोल्ड से काम करे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ हैप्पी बर्थडे लिखते लिखते थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन लिखना क्रीम से ही था, तो बस जैसा भी लिखा गया हमने लिख दिया। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव हो, क्योंकि पाइपिंग बैग के साथ केक के ऊपर लिखना थोड़ा ट्रिकी काम है। अगर डेली की रूटीन में ऐसा केक के ऊपर 2-3 केक के ऊपर लिखना हो तो फिर तो प्रैक्टिस होती रहती है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा काम आए केक के ऊपर ये वर्डिंग लिखने का विप क्रीम के साथ, तो वो मुश्किल होता है राइटिंग करना। जो डिज़ाइन जैसे हमारे कस्टमर ने हमें भेजा था, सेम उसी तरह का कलर और डिज़ाइन बनाकर दिया उनको। वाइट डॉट्स लगा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जिस तरह की पिक्चर हमारे कस्टमर ने हमें भेजी है हम वही फॉलो करें, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं हमें सेम केक बना कर दिया है। आप भी जब आपको ऑर्डर आता है तो जो रेफरेंस पिक्चर भेजी होती है कस्टमर ने, उसी को फॉलो किया कीजिए। यहाँ ये दोनों ब्लू केक, एक को बिल्कुल लाइट ब्लू क्रीम हमने लगाई है और एक को थोड़ा सा डार्क कलर, ये लाइट है और जो दूसरा है वो थोड़ा डार्क कलर था, और दोनों ही चॉकलेट केक हैं। एक में बिल्कुल लाइट कलर की चॉकलेट क्रीम यूज़ की गई है, एक में डार्क कलर की चॉकलेट क्रीम यूज़ की गई है। तो हमारे कस्टमर ने हम पे छोड़ा हुआ था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फ्लेवर आपने रेडी करना है कर दें। तीनों केक 1 पाउंड के होने चाहिए। तो यहाँ देखें, हमने इस प्लंजर से फीडर बना कर रख दिया है और सेम राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि क्रीम से लिखने में कभी क्रीम ज़्यादा निकल जाती है कभी कम। तो हमारे तीनों केक इस तरह 470, 475, 480 इसी तरह के वेट में आए, जिसमें इसको हमने माइनस करके केक बोर्ड का वेट तो फिर रेडी किया। तो आप भी इस तरह 1 पाउंड का केक रेडी कर सकते हैं। अगर इस बारे में कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।